यार हम लोगों को पार्टी में जाना, और पता नहीं ये सिंचन कहाँ रह गया। यार सिंचन किधर है तू? यार कहीं देर ना हो जाए, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे नए कपड़े लेने होंगे। ये देखो हम लोगों को देरी हो रही है, और ये चॉप और सिंचन दोनों मिलके पता नहीं वहां पर क्या कर रहे हैं। मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा इन लोगों को, और यार ले करके निकलना पड़ेगा। सिंचन यार क्या कर रहा है तू? चल जल्दी से, हम लोगों को शॉपिंग पर जाना है ना। अरे चलते है ना फ्रैंकलिन भैया, थोड़ा गाना बजाना तो हो जाए, मजा आ जा रहा है। थोड़ा और तबला तो सुनो। ओए चॉप कैसा लगा मेरा गाना? अरे यार सिंचन फ्रैंकलिन के थोपड़े से तो अच्छा ही है। चॉप के बच्चे तू हमेशा मेरी इंसल्ट करता, आज मैं मार्केट तुझे ले करके नहीं जाऊंगा। चल सिंचन हम और तू अकेले ही जाने वाले हैं आज। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे साथ जाना किसको है, मैं घर पे अकेला रहूंगा, पूरी की पूरी पार्टी अकेले ही करूंगा। ठीक है बेटा, आज तो मैं तुझे पार्टी में भी नहीं लेकर जाने वाला। आ जा सिंचन बैठ जा, अपन लोग निकलते हैं इधर से। अरे फ्रैंकलिन भैया पर आज हम लोग क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं? अरे यार सिंचन बस मुझे कुछ नए सूट लेने हैं यार, जो कि मैं आज की पार्टी में कर सकूं, क्योंकि यार आज की पार्टी में ना मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छा दिखना है। तेरे को पता है ना आज कितनी ढेर सारी लड़कियां आ रही है वहाँ पर। अरे हाँ तब तो मैं भी लूंगा, और मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा दिखना है वहाँ पर। गाइस सिंचन और फ्रैंकलिन दोनों पार्टी की तैयारी कर रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि इनकी मौत की तैयारी कोई और कर चुका है। और धीरे धीरे फ्रैंकलिन और सिंचन उसके जाल में फंसते ही जा रहे थे। गाइस आखिर कौन है वो जो अपने फ्रैंकलिन और सिंचन को मारना चाहता है? तो गाइस अगर तुम्हें जानना है कि इस वीडियो में क्या होता है आगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, और जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो यार इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये लो, आ गए हम लोग यहाँ पर कपड़े लेने के लिए। चलो चलो चल के आपके लिए कपड़े पसंद करते हैं, उसके बाद मैं भी खरीदूंगा। क्या चाहिए सर आपको, आपके लिए क्या दिखाऊं मैं? अरे मुझे पार्टी के लिए एक नया सूट लेना है। एक काम करो छोड़ दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ, कोई ना कोई सूट तो यहाँ पर बढ़िया होगा ही। ओह भाई साहब ये देखो यार, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे सूट है, इनमें से कोई एक सूट मैं पसंद कर लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, आप अपने लिए यहाँ पर कपड़े पसंद करो, मैं बगले वाले दुकान से अपने लिए कोई टी शर्ट ले लेता हूँ। ओहो चलो ज्यादा मजा आएगा, मैं अपने लिए कोई एक महंगा सा कपड़ा ले लूंगा। ओए सिंचन ज्यादा दूर नहीं जाना। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया। मैं इसका ही तो इंतजार कर रहा था, आखिरकार ये सिंचन बाहर निकल गया, यहाँ से मैं इसको आराम से मार सकता हूँ। अरे ओए उल्टी खोपड़ी, जितना बोला है तुझे उतना कर, उसे मेरे पास जिंदा लेकर किया। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, उसका ध्यान भटका करके उसको साइड में लेकर के जा, उसके बाद मैं सिंचन बन करके फ्रैंकलिन के साथ चला जाऊंगा, और सिंचन को तू मार डालना। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया फ्रैंकलिन के घर में ढुकने का। ठीक है बॉस, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही करूंगा। बॉस मैंने भेज तो बदल लिया है, अब मैं जल्दी से जाता हूँ और सिंचन को साइड करता हूँ। मुझे ये काम अच्छे से निपटाना पड़ेगा, अगर सिंचन को थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो मेरे हाथों से निकल जाएगा और जा करके माइकल और ट्रेवर को बता देगा। ओए बच्चे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कुछ खरीदना है, मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? अरे हाँ अंकल, आप तो अंतरिया में हो, आपको कैसे पता मुझे खरीदना है? चलो ना मुझे कोई ऐसा दुकान बताओ जहाँ पर अच्छे अच्छे छोटे बच्चों का कपड़ा मिलता हो, मुझे आज पार्टी में अच्छा दिख रहा है। ठीक है बच्चे तुम मेरे साथ पीछे आते जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसा दुकान दिखाता हूँ जहाँ पर सस्ते दामों में अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये बच्चा तो आसानी से मेरे जाल में फंस चुका है, बस अब सब कुछ मास्टर के हाथ में है, मास्टर को सीधे जाना और फ्रैंकलिन को भी जाल में फंसा लेना है। बहुत अच्छे टॉक्सिक वेनम, तूने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है, मैं भी अपना फेस सिंचन की तरह बदल लेता हूँ। बेचारा फ्रैंकलिन, उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि कब उसने सिंचन को खो दिया और मेरे जाल में फंस गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आपके पास आ रहा हूँ, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब फ्रैंकलिन तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अबे यार सिंचन तुझे मैंने बोला था ज्यादा दूर नहीं जाना, पर तू कहाँ चला जाता है यार, इतना देर कर दिया तूने, पता है मैं कितने दिन से वेट कर रहा था तेरे यहाँ पर। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करूँ, कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था, आपके कपड़े के सामने तो सारे कपड़े बेकार लग रहे हैं, क्या ही हैंडसम लग रहे हो फ्रैंकलिन भैया। क्या बात कर रहा सिंचन, सही में क्या मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ? चल यार तब मैं इसी को पसंद कर लेता हूँ, इसी को पैक करा करके अपन लोग सीधे घर चलते हैं। फ्रैंकलिन भैया जल्दी करो, रात को 3 बजे पार्टी है, उसके पहले तो थोड़ा सा सोना तो पड़ेगा ना। हाँ यार सिंचन चल तू कार में बैठ, मैं जल्दी से आता हूँ तेरे पास। नहीं फ्रैंकलिन भैया काफी जोरों की बारिश हो रही है, कार धीरे से चलाना, मैं नहीं चाहता आपको खरोच भी आए। अरे हाँ यार सिंचन इतनी बारिश तो रोज होती है, और यार मैं कार तो ठीक ही चलाता हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? अपन लोग तो रोज इस तरह भाई इतना ही स्पीड से निकलते हैं ना, तू पहले तो नहीं बोलता था,
कुछ हुआ है क्या तेरे को? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, आप मेरे बड़े भाई हो ना, तो बस आपकी फिक्र होती रहती है मुझे। क्या बात है यार सिंचन, आज बहुत ज्यादा प्यार आ रहा तेरे को मेरे पे। चल ठीक है कोई नहीं, अपन लोग देख घर के पास तो पहुँच चुके हैं, चल अब जल्दी से घर के अंदर चलते हैं, नहीं तो भाई साहब इतना महंगा सूट बर्बाद हो जाएगा पानी में। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो जल्दी से जाकर के सो जाते हैं। गाइस अपने फ्रैंकलिन को पता ही नहीं था जिसको वो सिंचन समझ करके अपने साथ लेकर के आया है, वो सिंचन नहीं बल्कि कोई और है। और पता नहीं टॉक्सिक वेनम ने अपने सिंचन के साथ में क्या किया होगा। पर एक मिनट गाइस, आखिर ये इविल सिंचन है कौन और ये कहां से आया है और ये फ्रैंकलिन के घर में क्या कर रहा है? गाइस अगर तुम्हें ये सब कुछ जानना है तो ये वीडियो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो यार मंत्रा गेमिंग ओपी। चलो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। अबे यार सही में काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे जाना भी है पार्टी में। भाई सब काफी मस्त लग रहा है यार ये सूट। चलो कोई नहीं यार, अब तो आज की पार्टी में अपन लोग पूरा ज्यादा धमाल मचाएंगे। अबे सिंचन आ जाए यार, रात हो चुकी है, अपन लोग को थोड़ा सोना पड़ेगा नहीं तो यार पार्टी में ही नींद आ जाएगी। भाई साहब आज तो मौसम काफी ज्यादा खतरनाक है यार, इतने में तो काफी अच्छी नींद आ जाएगी। आ जा सिंचन, चल अपन लोग सोने चलते हैं। अरे गुड नाइट फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ हाँ गुड नाइट गुड नाइट। भाई साहब काफी अच्छी नींद आई। अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे। अबे यार इतनी रात को चॉप को क्या हुआ? अबे चॉप क्यों चिल्ला रहा है? भाई इसको कोई काम धंधा नहीं है, रात को डरावने सपने देखता है और चिल्लाना चालू कर देता है। अबे यार एक मिनट सिंचन किधर है यार? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। एक मिनट यार, ये आवाज घर के अंदर से आ रही है, कहीं छत के ऊपर ये लोग कुछ कर तो नहीं रहे ना? सिंचन सिंचन चॉप किधर हो मेरे भाई? अरे यार इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम दोनों? अगर तुम दोनों का कोई मजाक करने का प्लान ना, सही बता रहा हूँ मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार पार्टी में लेट हो जाएगा अपन लोग को। अरे कोई मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। एक मिनट यार, मुझे नहीं लगता है चॉप कोई डरावना सपना दिख रहा है या कोई मजाक कर रहा है, लगता है यार इसकी जान सही में खतरे में है। पर सिंचन की आवाज अभी तक नहीं आई। अभी यार नहीं, कहीं सिंचन के साथ में कुछ हो तो नहीं गया ना? चॉप सिंचन में आ रहा हूँ मेरे भाई, रुक जाओ। अरे यार अब तो मुझे भी डर लग रहा है। एक मिनट यार सिंचन, अभी यार सिंचन क्या कर रहा है इसके साथ में? अरे तुम कौन हो और क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो? छोड़ दो मुझे प्लीज। कैसे छोड़ दूं चाप तुझे? तुम लोगों ने मिलके मेरे भाई को मारा था ना, अब तुम सबकी बारी है। सिंचन को तो पहले ही मैंने ठिकाने लगा दिया, अब तुम्हारी बारी और उसके बाद उस फ्रैंकलिन की। अरे वहाँ क्यों छुपे हो फ्रैंकलिन? मैंने तो तुम्हें पहले ही देख लिया है। कौन हो तुम? मुझे पहले डाउट हो रहा था, अपना सिंचन इस तरह तो कभी नहीं करता है, आखिर तू है कौन? मैं तेरी मौत फ्रैंकलिन, जल्दी ही तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। लगता है यार अपने चॉप और सिंचन को इस इविल सिंचन ने पहले ठिकाने लगा दिया, और यार अब बारी अपने फ्रैंकलिन की है। गाइस आखिर इन लोगों के साथ में क्या होने वाला है? तो अगर तुम्हें जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो इसका अगला पार्ट जरूर देखना। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो यार सेफ सिंचन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। तुमसे मिलता हूं मैं कल एक और धमाकेदार वीडियो में।